हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? तो दोस्तों, उत्तराखंड महिला होमगार्ड के संबंध में लेटेस्ट खबर सामने आ रही है, जिसमें 472 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। काफ़ी दुख की बात है। यहाँ पे 472 जो फॉर्म हुए हैं रिजेक्ट, उनके बारे में बताने वाला हूँ। क्यों फॉर्म रिजेक्ट हुए इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। किन लोगों का फिजिकल होने वाला है पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये सभी ज़िलों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही डाटा हर ज़िले का आने वाला है। किसी भी तरह का एडमिट कार्ड मुझे नहीं लग रहा कि एडमिट कार्ड जारी होगा बाय पोस्ट के द्वारा, जैसे पहले आउट होता था। अब ऐसा कोई भी आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, बल्कि वेबसाइट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है होमगार्ड की, वहाँ पे नाम लिस्ट आएगी और एड्रेस आएगा और आपको एक रोल नंबर जनरेट करके देगा, जिसे हम टोकन नंबर के नाम से भी जान रहे हैं। तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, किनका फॉर्म यहाँ पे आउट हुआ है और किनका फॉर्म यहाँ पे बिल्कुल पास हुआ है, पूरी जानकारी जानते हैं। तो दोस्तों, ये वो लिस्ट है जिनकी यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। जैसे कि जनपद, जैसे देख सकते हैं, जनपद में महिला होमगार्ड भर्ती में निःशस्त्रीकरण अभ्यर्थियों की सूची है। देखिए, यहाँ पर इतने सारे अभ्यर्थी हैं, टोटल 18 पेज की ये पीडीएफ फॉर्मेट है। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं और उनके फादर नेम, और उसके बाद उनके ग्राम का नाम, और रिजेक्ट होने का कारण क्या था। पहला देखिए, यहाँ पर रचना देवी हैं, नवीन उनके पति का नाम है, ठीक है। तो देखिए, इनका पता लिखा गया है निःशस्त्रीकरण या फिर उसे हटाने का अन्य जनपद होने के कारण, यहाँ पर कोई भी अन्य जनपद का जो कैंडिडेट्स है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो होम डिस्ट्रिक्ट का निवासी है वो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद करिश्मा देखिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र ना होने की वजह से, प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण करिश्मा का यहाँ पे जो है फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। आयु सीमा कम होने के कारण सिमरन का हुआ है। अन्य जनपद का यहाँ पर इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद आयु सीमा कम होने के कारण यहाँ पर दीर्घा का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। स्थाई निवास अन्य जनपद का होना, यहाँ पे शिवानी करनाल का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है रिजेक्टेड, मतलब उनको हटा दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी ने भी यहाँ पर आवेदन किया है। देखिए, पुरुष अभ्यर्थी ने भी यहाँ पर आवेदन करा है। यदि आप चेक करते हैं दोस्तों, ये कुल मिला के 400 से क्रॉस होते हैं, 450 से भी अधिक ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है होमगार्ड कार्यालय की तरफ से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 472 यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। कुछ यहाँ पर इशू आ रहे हैं कि 26/8/2023 को ये होमगार्ड कार्यालय में सबमिट हुआ, इसलिए भी यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 26/8/2023 को ये फॉर्म वहाँ पहुँचा है। आप जानते हैं कि जिनका यहाँ पर होमगार्ड में जो है सारे दक्षता परीक्षा होगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कह सकते हैं, जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। ये पौड़ी गढ़वाल की एक लिस्ट है, सभी का नहीं है। सभी का डेटा इसी प्रकार से आने वाला है। मैं आपको वन बाय वन जानकारी देने वाला हूँ। जैसे ही इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट आता है सभी ज़िलों का, मैं आपको जानकारी देते जाऊंगा। फिलहाल पौड़ी गढ़वाल जनपद वाले के लिए ये न्यूज है। फिलहाल हम बात करते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों, जैसे पौड़ी गढ़वाल जनपद की लिस्ट जारी की गई है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और साथ ही रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसी आधार पर सभी ज़िलों की आने वाली है। जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है सारे दक्षता परीक्षा के लिए, तो उनके लिए अनुक्रमांक भी निर्धारित किए गए हैं। PR यानी पौड़ी गढ़वाल PR से यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं, अभ्यर्थी का नाम दिया गया है और पति और पिता का नाम, और यहाँ पर पता दिया गया है, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल में कुल कितने कैंडिडेट्स हैं एक बार ये भी देख लेंगे हम। यहाँ पर रोल नंबर आप यहां से चेक कर सकते हैं। PDF फॉर्मेट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल होगा वहीं पे आपको मिल जाएगा। टोटल मिला के ये कैंडिडेट्स होंगे आपके 22 पेजों का ये PDF फॉर्मेट है। मान के चलिए कि 1000 से ऊपर ही रहने वाला है। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं एक बार, 1000 से भी ऊपर हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट्सों ने यहाँ पर फॉर्म सबमिट करे हैं, तो बेरोजगारी इससे साफ झलकती है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेरोजगारी उत्तराखंड में फैली हुई है। ये देखिए आप, 1100
20 अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पे फॉर्म सिलेक्टेड है, यानी इनका फिजिकल होने वाला है 1120 अभ्यर्थियों का, और टोटल मिला के जो यहाँ वैकेंसी है 31 या 32 के का समथिंग है। तो कुल मिला के कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहने वाला है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो है, डॉक्यूमेंट्स आपको सारे ले जाने हैं जो आपने ऑफलाइन फॉर्म जो आपने सबमिट किया था उसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करे थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको भर्ती स्थल पर ले जाने हैं। साथ ही आपको अपना आधार कार्ड आईडी प्रूफ के तौर पर ले जाना है और दो फोटो आपको ले ही जानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी के साथ।